चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारे तरफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पेपर आपके बाहर से आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जो मैंने बताया है वही एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस अधिक होते हैं, उसको आप एक बार देख लेंगे अगर आपके नज़र से छूट गया होगा तो। ओके, नाउ पहली बात कि हमारे जो क्लास एट के जो साइंस है उसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपके, टोटल चैप्टर्स आपके हैं, टोटल चैप्टर्स जो हैं आपके क्लास एट में टोटल कितने, 18 चैप्टर्स हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि जो 50% के सिलेबस हैं, जैसे कि 9 चैप्टर्स के बाद इंक्लूडिंग 9 चैप्टर, तो वो पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। मींस जब आप रिवीजन करोगे तो 9 to 18 सबसे पहले रिवाइज करोगे, ठीक है, क्योंकि बाद के जो चैप्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं। उसके बाद जो 1 से 9 है उसके बाद आप 1 से 9 में जाओगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप रोटेशनल लर्निंग करोगे तो आपके रिवाइज अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 8 चैप्टर से। हम 8 चैप्टर इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि सेल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सेल चैप्टर से सबसे पहले आपका सेल का डिस्कवर किसने किया था, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, रॉबर्ट हुक 1665। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम अप टू क्लास 11 तक, 12th में तो नहीं है, 11th क्लास तक ये डायग्राम पूछे जाते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे फिगर्स को, ठीक है, और इसके डिफरेंस बिटवीन। बिल्कुल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर देखा जाए तो प्लांट सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू एनिमल सेल, बट आप दोनों देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं दूसरी बात पे। मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, डैट इज क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 98, चैप्टर 8, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, मेक स्केचेज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस बिटवीन हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, नाउ चैप्टर 9 में आएंगे। चैप्टर 9 में आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम अप टू क्लास 12 तक पूछा जाता है, क्लास 10 12 में भी ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसका क्लास मैं आपको इवनिंग में सोच रहा हूँ लेकिन कल मॉर्निंग में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से एक बार देख लेंगे, ज़्यादा नहीं 10 या 15 मिनट का होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस बिटवीन, और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, और इन IVF का फुल फॉर्म, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग, मैंने आपको पढ़ाया था उसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद ओवीपरस विवीपरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटामॉर्फोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस में होता है, क्या है, कैसे कंट्रोल होता है इंसेक्ट में और फ्रॉग में, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन देखा जाए तो पेज नंबर 110, डेट इज 110, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटामॉर्फोसिस आई ऑलरेडी सेड। क्वेश्चन नंबर 5, गिव टू डिफरेंस बिटवीन जायगोट एंड अ फिटस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 9 भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एडोलेसेंस का डिफिनेशन 1 मार्क्स में। ओके, वाइज चेंजेस होता है मेल एंड फीमेल में, क्यों होता है, इसके रीज़न क्या है, 15 mm और 20 mm का बीच का जो अंतराल है, सॉरी जो मेल का जो लेंथ होता है वाइज बॉक्स का कितना होता है 20 mm और फीमेल का होता है 15 mm, ये आपके रीजन से आपको ध्यान में रखना है। नाउ हार्मोन से क्वेश्चन 100% रहेगा, मेरी तरफ से कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन बाहर से आएगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। नाउ हार्मोन्स में आपके आएंगे फीमेल हार्मोन क्या है, मेल हार्मोन क्या है, इसके रोल्स क्या हैं, वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 119 NCERT, फिगर है आपका पोजीशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी, इस डायग्राम को एक बार आप देख लेंगे। ये डायग्राम में आपको एक 2-4 नाम को हाइड कर दिया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा, उस नाम को आपको लिखना पड़ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चलते हैं HIV एड्स। एड्स कैसे होता है, HIV से होता है, इसके फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम और HIV का ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस, ये फुल फॉर्म आपके अगर नहीं भी आते हैं तो ये जरूर पूछा जाएगा कि एड्स किससे होता है, 90% चांसेस हैं कि ये एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, चलते हैं दूसरी तरफ, व्हाट इज मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से मिनार्च मेनोपॉज क्या होता है उसको देख लेंगे। सेक्स हार्मोन मैंने बता दिया, फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इसको याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नोट्स ऑन एडम्स एप्पल, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मार्क लगा लीजिए इस पर। चलिए
चलते हैं चैप्टर 11 पे, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर से जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि कुली अपने माथे पे कपड़े को लपेट के क्यों रखता है, ठीक है, प्रेशर को कम करने के लिए या प्रेशर को बढ़ाने के लिए। पेज नंबर 137, डेट इज 137, बॉक्स, ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, कुली का डायग्राम है, कुली के डायग्राम के ऊपर में है बॉक्स में आंसर, ठीक है। आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई पोटर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमेशा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आपको कुछ वहाँ पे एक्टिविटी लिखा जा सकता है, उससे कुछ बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग डिस्कस करें फोर्स एंड प्रेशर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स। एक लाइन से पूरा चैप्टर्स का देख लेना, 6, 7, 8 तो ऐसी जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वॉल वी हैव टू डैश एट द रोप। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एग्जैक्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 143, क्लास 8, फोर्स एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6, ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल। आपने देखा होगा जो सुनार होता है, सुनार के दुकान पे आप गए होंगे तो बाहर में एक वर्कर क्या करता है ना, उसको पीट पीट के शेप में ला रहा होता है, मोल्ड करता है। तो वो पूछा जा रहा है आपसे, ये रीजनल क्वेश्चन है, रीजनिंग बेस्ड है, आपको बताने हैं, इंपॉर्टेंट है। Now, 9th is a rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. Now, 10th one is objective based, इसको भी देख लेंगे। Means 5, 6, 9, 10 and question number 3, force and pressure, okay, class 8, chapter 11. Now, next one is based on friction, friction reduced, increase. ये दो concept आप में पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन रिड्यूस कब होता है, फ्रिक्शन अगर इंक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट होता है। इसके बेस में दो क्वेश्चन तो रहेंगे ही हमारे तरफ से, क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, ठीक है, इसको आप कंफर्म नहीं मानेंगे बट मैं गेस कर रहा हूँ कि इस सब क्वेश्चन को आप लोग एक बार अवश्य देख लेंगे। ओके, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के आपके 2-3 टेक्निक्स पता होने चाहिए। जैसे कबड्डी का प्लेयर अपने हाथों में स्वाइल्स को लगाता है या कोई ग्रिप लगाता है या कोई ग्रिप पहनता है, तो वो सब क्या आपके फ्रिक्शन के बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है, रफ सरफेस पे क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद चलेंगे पेज नंबर 153 में, आपका ड्रैग 1 मार्क्स का डिफिनेशन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। 9th वन इज गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। मींस पेज नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8, 9 एंड 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी मूव टू चैप्टर नंबर 13, दैट इज साउंड। साउंड में आपको जो बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑडिएबल रेंज, जो ह्यूमन ईयर का ऑडिएबल रेंज होता है और इनऑडिएबल रेंज जो होता है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द। भैया 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 थोड़ा खोल दीजिए दरवाज़ा। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द स्टिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। फ्रीक्वेंसी के बेस्ड में, स्टिलनेस और पिच के बेस में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ आपके जो समरी हैं चैप्टर साउंड का 168 पेज का, दैट इज व्हाट यू हैव लर्न्ड। देखिए कोई भी चैप्टर्स के समरी आप ज़रूर पढ़ेंगे, समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, और साउंड का तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, इसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ पेज नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टिक ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, इसको आप जरूर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पेंडुलम ऑसिलेट 48 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन।
ओके क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 12 स्केच लार्नेक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स. मतलब 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर साउंड और ऑडिएबल और इनऑडिएबल रेंज एंड ईयर का जो डायग्राम है उसके नाम आपके नहीं दिए हैं, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मोस्टली आपके हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो कोई भी हो, हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट फाइनल जो भी हो उस पे आते हैं कि फ्रीक्वेंसी का असर क्या होता है सिलनेस पे पिच ऑफ द साउंड में. इसमें आपको समरी पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा. ओके कोई भी डाउट आप पूछिए कॉमेंट बॉक्स में, जवाब मिलेंगे, डोंट वरी. चलते हैं 14 चैप्टर के तरफ. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 14 क्लास 8. हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नॉट श्योर. नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो हमेशा पूछा जाता है, बस इसमें आप डिफिनेशन याद रख लेना, 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछेगा. द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मेटल इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो आप 2-4 पॉइंट्स आप याद रख लेना. कार अप्लायंसेस पे क्रोमियम का यूज़ किया जाता है जो हाईली रिसिस्टेंट होता है, जंग नहीं लगता है. 2-4 पॉइंट आप इस तरह से याद रख लीजिएगा. ओके नाउ इसमें आप एक और एग्जांपल जो आप कॉमन 7th क्लास में पढ़े हो, गैल्वनाइजेशन वाला, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन. ये भी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल है. ठीक है तो इसको भी आप लिख सकते हैं, डोंट वरी. चलते हैं हम लोग पेज नंबर 181, डेट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन के तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पूछता है कभी कभी कि डिस्टिल वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, तो सिर्फ एक लाइन में लिखेंगे, बिकॉज इट इज प्योर वाटर, देयर इज अ नो एसिड, नो बेस, नो साल्ट. ओके और एक बात याद रखना, साइंस में आप ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करोगे, मतलब जितना पूछा जाए उतना ही लिखना. 1 मार्क्स का है, शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट में लिखो. भले ही बहुत सारी गणित आती होगी आपको, बहुत सारी बातें उसके बारे में पता है, बट पॉइंट वाइज लिखो. 3 मार्क्स के हैं, 3 पॉइंट तो मोस्टली लिख दो, 5 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है जितना पूछा जाए उतना ही लिखो. 5 मार्क्स के हैं, 5 पॉइंट्स लिखो. कोशिश करो पॉइंट वाइज लिखने की, अगर पॉइंट वाइज में लिख सकते हो तो. अगर नहीं लिख पाओगे देन आप पैराग्राफ में लिखिए, नो प्रॉब्लम. ओके नाउ पेज नंबर 181 क्वेश्चन नंबर 6, डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन बी डू टू मेक इट कंडक्टिंग. है ना, कंडक्टिंग लिए क्या करेंगे, एसिड बेस साल्ट कुछ मिला देंगे, काम हो जाएगा अपना. चलते हैं 9, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, एक्सप्लेन. मीन्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लेंगे. देखना तो सब है लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा देखेंगे, है ना. बाकी सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपको अच्छे से तैयारी की हो, साल भर पढ़े हो, अच्छे से घर में पढ़ाई की है आपने, तो अच्छे से देखेंगे. बट जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इसको आप थोड़ा स्पीड ट्रायल बोल सकते हैं, मतलब कि रिवाइज करते समय 1-2 बार एक्स्ट्रा ध्यान देंगे. ओके चलते हैं चैप्टर 15, दैट इज सम नेचुरल फेनोमेनन क्लास 8 चैप्टर नंबर 15. इलेक्ट्रोस्कोप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोस्कोप को आपको डिफिनेशन याद रख लेना है, डिफिनेशन आप लिख दीजिए इसके बारे में, और आप 2-4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए. ठीक है उसके बाद इससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अर्थक्वेक जब आता है तो क्या क्या सेफ्टी हमें बरतनी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी हमें यूज़ करना चाहिए भूकंप आता है तो. ठीक है नाउ नेक्स्ट वन इज लाइटनिंग कंडक्टर. लाइटनिंग कंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट. अर्थक्वेक, लाइटनिंग कंडक्टर, ये सब टॉपिक जो हैं हॉट्स टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है आपका अर्थक्वेक. अर्थक्वेक जब आता है तो इसकी स्पीड कितनी होती है, कि ज़्यादा भयानक होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है. 7 से ज़्यादा होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब नुकसान ज़्यादा होता है. और इसके जो मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, डैट इज सिस्मोग्राफ, रिचर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है. ओके इसको ध्यान में रखेंगे, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 197, द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ सम नेचुरल फेनोमेनन चैप्टर नंबर 15 क्लास 8. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लोथ द रॉड. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे. समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज हार्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ ए स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून वेयर एज एन अनचार्ज बैलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बैलून. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 आपके जो है इंपॉर्टेंट है. 2, 4, 8, 11
चैप्टर नंबर 15, ओके, इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 16 क्लास 8। इसमें आपको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आप ध्यान में रखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपके वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका आइज, आइज के स्ट्रक्चर जो आपके बुक में दिए गए हैं उसको आप देख लेंगे पेज नंबर 206 में। उसके बाद कैलेडोस्कोप, कैलेडोस्कोप जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कैलेडोस्कोप में क्या होता है वो आप ध्यान में रख लीजिए, वो आपके 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ओके। इसमें आपके पैटर्न्स जो दिखते हैं कैलेडोस्कोप में वो बहुत ही डिज़ाइनदार दिखता है, ओके। उसके बाद आपके आइज के बेस्ड में डायग्राम्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके स्कैलरा, कॉर्निया, पिपुल्स, आइरिस। आइरिस जो है एक आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि जो कलर्स जो होते हैं, डिफरेंट कलर्स जो होते हैं आइज के, वो क्यों होता है, ड्यू टू द चेंज इन द आइरिस, ओके। नाउ नेक्स्ट वन है आपका ब्लाइंड स्पॉट, आप देख लेंगे ब्लाइंड स्पॉट 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। और कभी भी चैप्टर्स के लास्ट के समरी को इग्नोर नहीं करना है, समरी आपके पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करा देता है, ओके, इसलिए समरी को आप जरूर पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज 212, दैट इज 212 पेज नंबर, लाइट चैप्टर क्लास 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्लेडोस्कोप, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ लेबल स्केच ऑफ द ह्यूमन आई, जो मैंने इंटरनल डिस्कशन के वही एक्सरसाइज में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी मूव टू चैप्टर 17, दैट इज स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। देखिए स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में आपके जो क्वेश्चन प्राइमरी क्वेश्चन बनता है वो बनता है मेबम, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आप अरेंजिंग ऑर्डर में आप इसको याद रखना, ठीक है, ताकि आपके गड़बड़ ना हो अगर अरेंजिंग ऑर्डर में पूछा जाता है तो, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे, मेबम, MBEM, मेबम, जोसून, JSUN, ओके। तो ये आपको हो गया मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, चलो लिख भी देते हैं, ओके। मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ओके, सैटर्न, यूरेनस, उसके बाद आपका लास्ट क्या है, नेपच्यून, NEPTUNE, ओके। बैकग्राउंड में कुछ साउंड डिस्टर्ब कर रहा होगा तो उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे, ओके। चलते हैं थोड़ा स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो आपके फुल मून डे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि फुल मून डे क्यों होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिलेशंस, इसमें से ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंदी है और इसमें से जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये आप याद रखना है कि मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी शुक्र को बोलते हैं, मॉर्निंग इवनिंग स्टार दोनों एक ही हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो अर्थ का जो ब्लू कलर दिखता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद लास्ट में आप इसके समरी जरूर पढ़ लेना। इसमें मैंने जो ओरल डिस्कशन किया था आपको चैनल पर, आपको मैंने बताया था, ओरल डिस्कशन किया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, अर्थ का मूवमेंट कैसा होता है, स्टार का मूवमेंट कैसा होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है। उसके बाद जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जुपिटर क्या आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ओके। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 आपका व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स, ओके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। द चैप्टर 18 इज पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर में सबसे पॉल्यूटेंट गैस का नाम क्या है, CFCs। उसके बाद CFCs का फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप पॉल्यूशन का इफेक्ट ताजमहल पे क्या पड़ रहा है या फिर क्या पड़ रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका जो है मैंने जो क्लासेस बताए थे उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट,
ओके, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो गया आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद है आपका वन महोत्सव किस महीने बनाया जाता है, जो आपके 244 पेज में दिया गया लास्ट पैराग्राफ में, जो कि आपके जुलाई में बनाया जाता है हर एक साल जुलाई में वन महोत्सव। ओके, वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट ये सब तो आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में आर्टिकल्स भी लिखने आते हैं इसके बारे में। उसके बाद है आपका गंगा एक्शन प्लान कब बनाया गया था, 1985 में एनसीईआरटी में 1985 लिखा है, नेट पे किसी बच्चे ने मुझे दिखाया था कि सर दूसरा लिखा है, बट आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। ओके, 1985 में गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था, ठीक है, वॉज लॉन्च्ड, ओके, लॉन्च्ड इन 1985। नाउ पोर्टेबल वाटर क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर को पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन में एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू एसी ड्रेन, एसी ड्रेन क्या होता है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था एसी ड्रेन क्या होता है, आप चैनल पर जाइए वहाँ पर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझ में आया है तो। ओके, उसके बाद है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी बताया, ग्लोबल वार्मिंग, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल की बात है। ओके, नाउ अब हम आते हैं वन के तरफ से, वन से चलेंगे हम लोग चैप्टर 7 तक, ठीक है। तो वन से चैप्टर 7 में जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, चलेंगे चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें आपको खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप एकदम याद रखना है एग्जांपल के साथ। उसके बाद इसमें आपका आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के 7 स्टेप्स हैं, उसको आप याद रख लीजिए। मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आपके बाहर से आएंगे। आपको मैं सिर्फ ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप अगर इन सब क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन सेट नहीं किया है, बट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इन सब क्वेश्चन को अगर आपने नहीं पढ़ा है, छूट गया है, तो आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। ओके, मैन्यूअल फर्टिलाइज़र, उसके बाद आपका है जो डिफरेंस बिटवीन मैनुअल फर्टिलाइजर का पेज नंबर 7 में दिया एनसीईआरटी में। उसके बाद सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में आपका जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है उसको देख लेंगे, उसका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है उसको देख लेंगे, ठीक है। और ये सब जो आपके मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जो आपका दिया गया है पेज नंबर 9 में, एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन दिया गया पेज नंबर 8 में, ठीक है। उसके बाद आपका है वीडिसाइड्स, एक मार्क्स में पूछा जाता है, वीडिसाइड पेज नंबर 10 में दिया गया है लास्ट पैराग्राफ में। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स, 2,4-D भी आप याद रखेंगे एज ए एग्जांपल। ओके, नाउ इसके बाद है आपका गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इच, खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप ये तो मैंने आपको बताया दिया। 5 क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, मैन्योर फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी आपको पता है, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया। उसके बाद बचता है आपका एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री भी आपको याद रखना है जो आपके पेज नंबर 12 में लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है। ओके, पशुओं को पालना, उसका देखभाल करना, सब कुछ प्रोवाइड करना, डैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि लार्ज अमाउंट में होता है, जो आपने पोल्ट्री फार्म में देखा है। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 2, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, क्वेश्चन बाहर से आएंगे, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़ लेंगे। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, चैप्टर नंबर 2 में आपको बताना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, ये हमेशा बराबर क्वेश्चन देखा जाता है कि बेनिफिट क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के और नुकसान के नेगेटिव पॉइंट्स, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद है लुईस पाश्चर ने क्या डिस्कवर किया था, पेज नंबर 20 में दिया गया है, फर्मेंटेशन का किया था 1857 में। ईयर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कि कब किया था, बट इन्होंने किसने किया था ये ज़रूर याद रखिएगा। ओके, मोस्टली यही पूछा जाता है पेज नंबर 20 में। फर्मेंटेशन क्या होता है पेज नंबर 21 में है आपका, फर्मेंटेशन पेज नंबर 20 में है, पेज नंबर 21 में आपका एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। ओके, तो एडवर्ड जेनर का आप नाम याद रखेंगे, पेज नंबर 21 में दिया गया बॉक्स में। उसके बाद है आपका आता है मॉस्कीटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्कीटो। ओके, फीमेल एनोफिल्स मॉस्कीटो जो होता है आपका,
फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो का नाम आप याद रखेंगे, जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है। ओके, उसके बाद है आपका कॉम्युनिकेबल डिजीज, तो आपको पता है जो इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन को फैल जाता है, डैट इज कॉल्ड कॉम्युनिकेबल डिजीज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में पूछा जाता है, डैट इज फ्रॉम पेज नंबर 24 पेज नंबर में आपका ये बॉक्स देख रहे हैं, इसमें से पूछा जाता है, जिसमें आपको सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो कॉमन डिजीज होते हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलोरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए एंड मलेरिया। तो इसमें जो मोस्टली पूछा जाता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं पूछा जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं पूछे जाते, किसके द्वारा होता है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रख लेंगे। थोड़ा मैं आपको हिंट कर देता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था एंड ट्यूब को टाइप, ओके, ये जो होता है आपका बैक्टीरिया से होता है। एंड फॉर एंथ्रेक्स, TUB ट्यूबरक्लोसिस, CHO क्लोरा, TYP टाइफाइड। ओके, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दैट इज एंथ्रेक्स, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, ओके, दैट इज क्लोरा एंड दैट इज टाइफाइड। ओके, और ये किससे होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन ये छोड़ देंगे, थोड़ा सा चलेंगे आगे। केमिकल मेथड, प्रिजर्वेटिव्स में आपका क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, या फिर आपके जो फूड आइटम्स है, जैसे सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट का यूज़ करते हैं, साल्ट का यूज़ करते हैं, जैम जेलीज में शुगर का यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ भी ध्यान में रखना है। ओके, कि आपके प्रिजर्वेटिव्स क्या, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं मोस्टली। ओके, उसके बाद है आपका नाइट्रोजन साइकिल, बहुत कम पूछा जाता है बट एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आपको पता ही है, शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, नहीं तो इसका पूरा डायग्राम नाइट्रोजन साइकिल का 5 मार्क्स में मिल सकता है आपको। ओके, वो भी जब भी कोई डायग्राम देगा 5 मार्क्स में, देन और वाला क्वेश्चन जरूर रहेगा, दो डायग्राम्स दिए जाते हैं कि कौन सा होगा। ओके, जो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से प्रोबेबिलिटी के तौर पर, मतलब जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट श्योर क्वेश्चन मैंने सेट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको अंदाज़ा बता सकता हूँ कि प्रीवियस एक्सपीरियंस के तौर पर कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नाउ उसके बाद मैंने बार बार आपको रिपीट किया कि जब भी आप कोई भी चैप्टर्स पढ़ते हो तो उसके समरी के पॉइंट्स को जरूर एक बार पढ़ लेना, बहुत सारे पॉइंट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद पेज नंबर 29 में आते हैं, 29 में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, उसको बना लेंगे। उसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आई, इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैं बता दूँ, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ओके, चलते हैं हम लोग चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पुट किए जाते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है, बट इसमें आप याद रखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप पेन का स्पेलिंग याद रखेंगे PEN, ओके, डेट इज पी फॉर पॉलिस्टर, एन फॉर नाइलोन एंड ई फॉर, ओके, ई फॉर कुछ नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है, पेन का स्पेलिंग ए कर लेना है। ओके, तब ये हो जाएगा एक्रेलिक, और ये हो जाएगा आपका नाइलोन, और ये हो जाएगा आपका पॉलिस्टर, दैट इज पॉलिस्टर, नाइलोन एंड एक्रेलिक। ओके, नाउ वी मूव टू अदर पॉइंट्स। नाइलोन आपका मैनमेड फाइबर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन 1931 में आया था, सॉरी। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, इतना ईयर्स नहीं पूछे जाते, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर मैनमेड फाइबर को बोलते हैं, और आपका नेचुरल फाइबर जो नेचर्स के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, जूट, इसको याद रखेंगे। नाउ PET, दैट इज पेज नंबर 35, फर्स्ट पैराग्राफ दिया है आपका बॉक्स के नीचे, PET इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, PET क्या आपका एक पॉलिस्टर है। ओके, PET का फुल फॉर्म आप याद रख लेंगे,
पॉलीइथिलीन टेरिपैथलेट, ओके, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट थोड़ा नॉलेज भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे, हम लोग देखेंगे पॉलिस्टर से नहीं पूछे, पेट्रोकेमिकल्स, जितने पेट्रोकेमिकल्स किसको बोलते हैं वो आप याद रखेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग दूसरे तरफ के, इसमें से आपको जो मोस्टली आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, ये आप जो है इसको जरूर पढ़ लेंगे, इसको आप नहीं छोड़ेंगे। थर्मोसेटिंग क्या होता है थोड़ा बता देता हूँ, जो एक बार हीट करने के बाद सेट हो गया डैट इज़ थर्मोसेटिंग, उसको हम लोग फिर दोबारा किसी में मोल्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक स्विचेस, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक में क्या है कि आप प्लास्टिक्स हैं उसको हीट करके आप दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे आपके बकेट्स हैं, ठीक है, बाल्टी आपके बकेट्स हैं, उसको आप हीट करोगे फिर दूसरे चीज़ में ला सकते हो, जैसे कि आपके जो डिस्पोजल वाले बोतल है, वाटर बॉटल है, उसको आप हीट करके दूसरे फॉर्म में ला सकते हो, डैट इज़ कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, ओके। एंड थर्मोसेटिंग इज़ द डिफरेंट थिंग, जिसको हम लोग मोल्ड करके दूसरे शेप में नहीं ला सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखेंगे। उसके बाद टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या, जैसे कि आप वो जो डोसा बनाने वाला आता है ना, डोसा बनाने वाला जो तावा होता है, उसमें देखता कि आपके जो ये जो है ना वो कुछ स्पेशल टाइप का तावा होता है जिसमें कि वो चिपकता नहीं है, ठीक है, तो टेफ्लॉन जो है ना उसके ऊपर रहता है, टेफ्लॉन जिसमें वो स्टिक नहीं होता है, जो हम पकाते हैं वो चिपकता नहीं है तावे पे, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। टेफ्लॉन क्या होता है, मेलामाइन क्या है, मेलामाइन क्या, जैसे कि एक वर्सेटाइल मटेरियल है, जो कि जो फायरमैन्स होते हैं उनके आप देखेंगे ड्रेस, ड्रेस थोड़ा यूनिक टाइप का होता है, तो जो उनके जो ड्रेस होते हैं फायरमैन्स के, जो आग बुझाने जाते हैं, वो मेलामाइन कोटिंग रहता है, ठीक है। मेलामाइन इज वर्सेटाइल मटेरियल, रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, ठीक है, वो क्या होता है कि दूसरे प्लास्टिक की तुलना में वो ज़्यादा हीट को टॉलरेट करता है, ओके। फ्लोर टाइल्स में भी यूज़ होता है, किचन वेवर्स में भी यूज़ होता है, क्योंकि किचन में हीट ज़्यादा होता है, गैस वैस खाना बनते रहता है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा मेलामाइन का यूज़ किया जाता है। आपको इसमें याद रखना है मिला जुला के थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर क्या होता है, उसके बाद प्लास्टिक्स आपके क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सॉइल में डिकम्पोज नहीं होता है। वहाँ और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 39, डेट इज़ 4R प्रिंसिपल क्या होता है, बराबर पूछा जाता है कि 4R प्रिंसिपल क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर, ओके। नाउ चलते हैं हम लोग दूसरे की तरफ, हम लोग फिर उसके बाद जो समरी है उसके बाद रीड आउट कर लेंगे। आप एक्सरसाइज सॉल्यूशन की बात करें तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आपका आता है गिव एग्जांपल विच इंडिकेट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रांग, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर फाइबर, देखिए ना 4 है, 4, 5, 6 छोड़ दीजिए, 6 आपका वही क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग कंप्लीट। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, इसको आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जांपल टू शो डैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, ये आप देख लेंगे कि प्लास्टिक में जंग क्यों नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक्स के डिमेरिट्स आपको याद रखना है कि प्लास्टिक में अगर हम खाना खाते हैं, गर्म खाना खाते हैं, तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाएंगे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, प्लास्टिक इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो सॉइल में डिकम्पोज नहीं करता है, ओके, इसको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान में रखेंगे, ओके। नाउ मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस जो होते हैं, डिफरेंस आपको याद रखना है कि मेटल और क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, इसके आप 4-5 पॉइंट याद रखिए। कंडक्टिविटी बेटर हीट है, बेटर हीट एंड कंडक्टर। उसके बाद मेटल्स जो होता है हार्ड होता है, मेटल्स को जो यूजेस हैं वो हमारा जैसे कि सोडियम पोटासियम आर मेटल, बट इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इट कैन बी इजिली कट। तो जो आप याद रख सकते हैं 2-4 पॉइंट आप याद रखेंगे मेटल और मेटल के डिफरेंसेस, ओके। मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, ये सब एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेलेबिलिटी जिसको बीट करके मैलिएबल मतलब सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं, डक्टिलिटी जो वायर के फॉर्म में हो जाता है उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, ओके। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ओके। तो एक्सरसाइज में आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको तो एक बार में देखने से याद हो ही जाएगा, क्योंकि अब तो आप फाइनल टर्म्स हैं, लास्ट टाइम में आप देखोगे तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी चैप्टर मेटल एंड मेटल इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका पेज नंबर है आपका 54 पेज नंबर में जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इसके रीजंस आपको बताने हैं, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट एंड बी आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, इसमें शायद कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं होगा, उसको आप देख लेंगे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ओके, पेज नंबर 55।
एंड पेज नंबर 54, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, बहुत मज़ा आएगा। एग्ज़ाम दीजिए, बढ़िया से दीजिए, दिमाग खोल के, नींद गोड़ा के और सब कुछ दिमाग को कंसंट्रेट करके, वेरी नाइस, कम ऑन। चैप्टर 5 देखेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम में आपके जो क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं, इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, आपकी डिफिनेशंस और एग्जाम्पल के साथ। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स में जो पूछा जाता है, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, रिफाइनिंग जो है आपका पेट्रोलियम का, वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप ध्यान में रखेंगे, 5 मार्क्स का है। उसके बाद है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जो पाइपलाइन है कहाँ, त्रिपुरा में, गुजरात, बड़ोदरा, ये मैंने ऑब्जेक्टिव में भी दिए थे, उसको आप देख लेंगे। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ PCRA, पेज नंबर 61 में दिया है, लास्ट पैराग्राफ है, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ओके, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। सर लिख दीजिए, वेरी गुड, लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च, आर फॉर रिसर्च एंड ए फॉर एसोसिएशन। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे की तरफ, एक्सरसाइज में आपका है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 1 एंड 2। ओके, तो ये आपका हो गया 1, 2, 7 एंड 8। ओके, 1, 2, 7, 8 क्वेश्चन नंबर है आपका, आपका जो है कोल एंड पेट्रोलियम में, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम में 1, 2, 7, 8, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नाउ चलते हैं चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में आपका कंबशन एंड फ्लेम में है आपका, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये आपका बेसिक पॉइंट 1 पॉइंट। दूसरा है आपका रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन, दैट इज टाइप्स ऑफ कंबशन। ओके, टाइप्स ऑफ कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन तो आप बिल्कुल भी पढ़ लेंगे, कभी भी इग्नोर नहीं करिएगा, रैपिड कंबशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, ये बिल्कुल भी आप याद रखिए। उसके बाद LPG का फुल फॉर्म, ओके, LPG का फुल फॉर्म, उसके बाद CNG का फुल फॉर्म, इसको आप याद रखेंगे पक्का, CNG का फुल फॉर्म, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड CNG का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए इसमें जो मोस्टली आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में टाइप्स ऑफ कंबशन। ओके, उसके बाद है आपका डायग्राम देखेंगे, डायग्राम इसमें आता है डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 की बात करें तो पेज नंबर 72 में डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम जरूर याद रखिएगा। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट है किलो जूल पर केजी। ओके, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, किलो जूल पर केजी, ठीक है, ये आपका यूनिट जो है ये आप याद जरूर रखिएगा, एक मार्क्स में कई कई पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है और लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है, जो 1 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। ओके, नाउ हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, पेज नंबर 75, दैट इज गिव रीजन वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ओके, पेज नंबर 75 में क्वेश्चन नंबर 5, ओके, पेज नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, LPG इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजली, वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्युमिनियम पाइप डज नॉट, ये तीनों क्वेश्चन के रीजनेबल क्वेश्चंस के आंसर आप याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम, ये तो हम पढ़ चुके हैं, विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड व्हाई, मतलब आपको देखना है 5, 6, 10, 12। ओके, पेज नंबर 75 में देखना है 5, 6, 10 एंड 12, 5, 6, 10, 12 देखेंगे, पेज नंबर 75, क्लास 8 NCERT बुक। ओके, चलिए तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, टाइप्स ऑफ कंबशन, कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट, ये 4 क्वेश्चंस
एंड डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम पढ़ना सब है, बट इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपके प्रिपरेशन और भी अच्छे हो सके। बार बार मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने सेट नहीं किया है, क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, बट मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए आते हैं चैप्टर 7, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में तो आपको पता ही है, आपके जो इम्पॉर्टेंट, इसमें आप सीधा समरी में चले जाना। समरी में आपको तीन चार वर्ड जो सबसे पहले आपका आता है बायोडाइवर्सिटी, के बाद है आपका एंडेमिक स्पीसीज, के बाद आपका आता है डेट इज डेड डेटा बुक। ओके, उसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद आता है नेशनल पार्क। इन सब टर्म को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और आपको समरी में बिल्कुल एक एक पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका डिफॉरेस्टेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का यही है, डिफॉरेस्टेशन। इससे तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो डिफॉरेस्टेशन के नेगेटिव पॉइंट्स आप याद रख लेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स याद रख लेंगे। ओके, उसके बाद तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रहने वाला है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आप तैयारी किए होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। उसके बाद आपका आता है प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, इसके जो ईयर थे वो भी ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों को काटना, रिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को लगाना। ओके, जितना हमने काटा उस जगह पे लगा दिया, डेट इज रिफॉरेस्टेशन। चलिए उसके बाद है माइग्रेशन क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में माइग्रेशन होता होगा, पहले आपने कहीं माइग्रेशन देखा होगा, या फिर जैसे कहीं साइंस एग्जीबिशन में जाते हैं 10 दिन के लिए बच्चे आते हैं, वो भी माइग्रेशन ही है, डैट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट डैट इज ऑल्सो कॉल्ड माइग्रेशन। ओके, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 86 और आपका जो क्वेश्चन है व्हाई शुड पेपर बी इन ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर फाइव को आप ध्यान में रखेंगे, पढ़ना तो सब है बट इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर एट नाउ चलते हैं हम लोग अलग की तरफ। अलग हमारा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हमने देख लिया है, तो हम लोग कुछ बातें करेंगे, कुछ डिस्कशन और भी करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज थे, बट अब हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर मोस्टली आते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं बट हम लोग प्रीवियस एक्सपीरियंस के तौर पे बात कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपके जो क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, करना कैसे है, देखिए जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, मान लीजिए आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखे, आपको मोस्टली आ रहा है, आप इसको अटैम्प्ट करो, 3 मार्क्स का आ रहा है इसको अटैम्प्ट करो, 5 मार्क्स इसको अटैम्प्ट करो, 1 मार्क्स का आ रहा है तो इसको अटैम्प्ट करो, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको 5 मार्क्स का आता है तो आप इसको प्रायोरिटी पहले दीजिए, ताकि लास्ट में आपके जो समय अगर कम भी बचेगा तो आप क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही छूटेंगे। ओके, बट 5 मार्क्स का पहले कर लीजिए, आपको लगेगा कि वाह मैंने 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन तो लिख लिए, तो आपके अधिक मार्क्स पहले लिख लिए आपने, उसके बाद 3 मार्क्स पाइए, 3 मार्क्स को पहले कंप्लीट कर लीजिए, 2 मार्क्स पाई लास्ट में 1 मार्क्स से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगर आपको लगता है मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप अरेंजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, वो आपकी सुविधा, लेकिन मैं ऐसे ही लिखता था, मैं लास्ट से स्टार्ट करता था उसके बाद पीछे की तरफ जाता था, ताकि एग्जामिनर का अगर कॉपी भी छीन रहा हो, ऑफलाइन में तो कॉपी भी लोग छीन लेते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हड़बड़ में क्या होता है, 1 मार्क्स अगर आप 5 मार्क्स का लिख रहे होगे तो 5 मार्क्स का नुकसान होगा, ऐसे तो 1 मार्क्स का ही होगा ना, कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे, लेकिन ट्राई करना है कि हम जो भी आंसर लिखें साइंस में खास करके पॉइंट वाइज लिखें, पॉइंट वाइज लिखें और भाषणबाजी ना करें। जैसे आपसे पूछा जाए 1 मार्क्स में 1 वर्ड का आंसर अगर है तो 1 वर्ड में ही लिखिए, ठीक है। डिफिनेशन पूछता है, डिफाइन करने के लिए बोलता है, अगर एक लाइन में डिफाइन हो रहा है तो एक लाइन में ही लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखिए, जितना पूछा जाता है उतना ही लिखिए, ठीक है। अगर आपके 5 मार्क्स के हैं तो 5 मार्क्स में आपके 5 पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। कोशिश करिए कि आप पॉइंट वाइज में लिखिए, 1 2 3 4 5, मतलब कि ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5,
ठीक है, और एक आंसर खत्म होने के बाद थोड़ा गैप छोड़िए दूसरा आंसर स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये बात का आप लोग को नॉर्मली ध्यान रखना है, और लास्ट में जो क्वेश्चन अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, कोई छूट रहा है, तो उसके बारे में जो जानते हैं वहाँ लिख दीजिए, आंसर को ब्लैंक मत रखिए, ओके। और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आपने लिखा कि फर्स्ट का ए, तो ए ऑप्शन जो भी है, ए ऑप्शन जो भी है उसको भी वहाँ पे लिख दीजिए, इतना टाइम तो है, वह एक एक वर्ड लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को भी सुविधा होगी और आपको भी सुविधा होगा, गलत नहीं होगा आपका, है ना। वन का ए है तो ए का जगह पे जो है उसको लिख दीजिए, और पीसा बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वो लॉजिकल बेस्ड होते हैं, आपके टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा उसमें, ठीक है। तो पीसा बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको आप अपने टेक्स्ट बुक आंसर लिखने के बाद लास्ट में करिएगा, ओके। लेकिन करिएगा ज़रूर, छोड़िएगा नहीं, नहीं भी समझ में आता है तो अटेम्प्ट लीजिएगा, जो आपको बेस्ट आंसर लगेगा उसको दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, स्किप नहीं करिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आपके जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहुंच सके, और आपके पास जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपने क्लास के लिंक नहीं भी टच किए तो आपके पास पहुँच जाएगा, ओके। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने बहुत दिन से क्लासेस नहीं किए और बहुत ही नए, या फिर उनके नंबर चेंज हो गए थे, उन्होंने नंबर ऐड करवाए हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन उनको ताकि मिल सके, क्योंकि बहुत सारे समय ऐसे होते हैं बहुत कि आप लोग क्लासेस नहीं हो पाता होगा या फिर लिंक शेयर नहीं हो पाता होगा, तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा अकॉर्डिंगली सब्सक्राइब करने के बाद, ओके। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस, बाय बाय। Take care. Have a nice day.